क्या प्राइस? ये 7000 रुपये की स्टार्ट। मतलब प्राइसिंग की गारंटी है कि जो प्राइसिंग आपके पास मिल जाएगी वो किसी दुकान में नहीं मिलेगी। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम आए हुए हैं कानपुर में ही आपको एक और नई डीलरशिप से मिलाने के लिए, और आज कोशिश करेंगे कि हम आपको कम से कम प्राइस में और बहुत अच्छी से अच्छी गाड़ियां दिला पाएँ। बाकी अगर लोकेशन की बात करें तो आज हम खड़े हुए हैं जरीब चौकी पे। इनकी डीलरशिप का नाम है सिटी मोटर्स। बिना टाइम वेस्ट करते हैं यहां के ओनर को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और कुछ गाड़ियों की डिटेल लेते हैं। तो भैया आ जाइए। हेलो भैया, कैसे हैं भैया? ठीक है भैया। तो एक बार सबको हेलो बोल दीजिए। हेलो। तो आज आप हमें किस किस तरीके की गाड़ी दिखाने वाले हैं? हमारे पास तमाम तरह की बाइक्स और जुपिटर एक्टिवा सब तरह की गाड़ियां मौजूद रहती हैं और बहुत अच्छी गाड़ियां रहती हैं और मार्केट से कम रेट में हम देते हैं। ठीक है। और कोई भी हमारी गाड़ी में कमी नहीं होती। आरटीओ संबंधित एक नंबर का काम होता है। पेपर में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो भैया स्टार्ट करते हैं। आज हम स्प्लेंडर से इसकी कुछ डिटेल बताइए। ये गाड़ी फर्स्ट ओनर है। ठीक है। 28000 चली है। ठीक है। और मार्केट में आप कहीं भी इधर उधर जाएंगे तो 30-32000 से आपको कम नहीं मिलेगी। ठीक है। मैं 25000 रुपये में सेल कर रहा हूँ। 25000 रुपये में स्प्लेंडर। भैया अगर बात करें इसके एवरेज की तो कितना एवरेज दे देती है? 60 का एवरेज। 60 का एवरेज। टायर कंडीशन कैसी है? गुड कंडीशन है। 28000 ओरिजिनल चली। ठीक है। पीछे के तो मैंने देखे इसके टायर के रेशे भी नहीं मिटे हुए। नहीं बिल्कुल। तो इसमें भी कुछ निगोशिएबल है या ये फिक्स प्राइस है? नहीं, उसमें कोई आएगा तो 1500 और भी कम कर लेते हैं। चलिए बाकी अगर कोई हमारी वीडियो देख के आता है तो थोड़ा सा उसको वो तो पूरा कॉपरेट किया है। चलिए बाकी नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। आपकी ये प्लेटना है 2011 मॉडल। ठीक है। और ये 17000 ओरिजिनल चली है। ठीक है। ये हम 18000 की दे देंगे। 18000 रुपए की दे देंगे। एवरेज की बात करें इसका एवरेज भी बहुत सही होता है। एवरेज तो 80 से कम नहीं होता। अच्छा। और ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। ठीक है। इंश्योरेंस सब कंप्लीट। बाकी अपने यहाँ पे कोई मीटर बया के गाड़ी तो नहीं होती? ऐसा कुछ नहीं। बाकी नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। भैया ये पल्सर इसकी कुछ डिटेल बताइए। ये 2018 लास्ट है। ठीक है। और 11000 चली है। ठीक है। और 150 है। ठीक है। और ये मैं 60000 रुपए की दे रहा हूं। ठीक है। पाँच टायर की कंडीशन क्या है इसकी? गुड कंडीशन है और 5 साल का इंश्योरेंस है। अच्छा अच्छा। कितनी चली बताया भैया आपने? 11000। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस इसका? जी ये 60000 की दे रहे हैं। 60। अगर कोई एक्चुअली 1000-2000 और कहेगा तो 50-55 तक दे रहे। ठीक। चलिए बाकी नेक्स्ट गाड़ी पे बढ़ते हैं। आपकी एक्टिवा स्मार्ट। भैया कुछ डिटेल बताइए। ये एक्टिवा आई है। एक्टिवा आई, सॉरी। ठीक है। और ये इसका नंबर भी बहुत अच्छा है, 5859। ये 2015 मॉडल है। ठीक है। ये 25000 की मिल जाएगी। 25000 रुपए। ये भी फर्स्ट ओनर है। इंश्योरेंस कितनी चली होगी? ये चली 13200। की पेंट वेंट की कंडीशन? ये ओरिजिनल पेंट है। ठीक। चलिए भैया नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। ये अपनी हीरो प्लेजर, इसकी कुछ डिटेल बताइए। ये भी 2015 मॉडल है। 10000 चली ओरिजिनल। ठीक है। फर्स्ट ओनर है। बैंक में कलर के उन्हीं की है। ठीक है। बैंक में कलर के उनकी है। मतलब बिल्कुल क्लीन गाड़ी है। ठीक है। टायर कंडीशन बात करें तो ओके है। 28000 की मिल जाएगी। 28000 रुपए की मिल जाएगी। 2000 क्या बताया आपने? 15। ठीक है भाई, बहुत अच्छी डील है। मेरे को तो बहुत सही लगी। बाकी भैया नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। बजाज डिस्कवर बताइए। 125cc है। 2019 मॉडल है। ठीक है। ये हम 35000 की दे देंगे। 35000 रुपए की आप दे देंगे। बाकी बात करें भैया अगर नई गाड़ी की तो इस टाइम तो बड़ी महंगी हो गई गाड़ी। नई गाड़ी ये 77000 की है। 77000 रुपए की। ठीक है। काफी अगर कोई नई गाड़ी लेना चाहे और पुरानी से ले ले तो इसमें काफी अच्छे पैसे बच जाएंगे। काफी बड़ा। ठीक है। बाकी भैया नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। अपनी हीरो माइस्ट्रो, इसकी कुछ डिटेल बताइए। ये 2016 मॉडल है। ठीक है। ओनर है। ठीक है। ये भी 17300 चली है। ठीक है। और ये गाड़ी हम 32000 रुपए की दे देंगे। 32000 रुपए की आप दे देंगे। बाकी कोई अगर हमारा व्यूवर आपको फोन वोन करता है, कुछ अगर हमारी चैनल से देख के कोई आता तो फिर उसे 1000-1500 डिस्काउंट में देंगे। चलिए ठीक है, क्योंकि आपके चैनल से आएगा तो देखिए आपके लिए थोड़ा डिस्काउंट करा दिया है। आप अंकल के पास अगर आएंगे तो हमारा नाम बताएंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलते हैं। ठीक है भैया, इसकी डिटेल बताइए। ये एक्टिवा है। 2014 मॉडल। 20000 चली है। ठीक है। ये भी फर्स्ट ओनर है। ठीक है। इंश्योरेंस सब है गाड़ी का जी। ये हम 22000 की दे देंगे। 22000 रुपए की दे देंगे। और यही गाड़ी मार्केट में कहीं भी पता करेंगे तो 30000 से कम नहीं। ठीक है।
22,000 रुपये में आपको एक्टिवा मिल रही है, बहुत ही सही कंडीशन में। अगर आप एक्टिवा लेना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल अंकल को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट गाड़ी की तरफ पढ़ते हैं। तो भैया ये अपनी महिंद्रा जेस्टो, जेस्टो 2015 मॉडल, ठीक है, ये फर्स्ट ओनर है, 25,000 की फर्स्ट ओनर है। ठीक है, 25,000 की मिल जाएगी आप। की मिल जाएगी। चली बात करें, और आपकी तरफ से कोई आएगा तो उसको 24,000 की देंगे। और बताइए, अगर बात करें इसकी चली की तो कितनी चली होगी? ये चली है 21,200। 21,200। और टायर की कंडीशन सब ओके, ओरिजिनल गाड़ी, इंश्योरेंस वगैरह फर्स्ट ओनर ओरिजिनल। ठीक, बाकी भैया अपने यहाँ पे फाइनेंस की क्या डिटेल है? IDFC फर्स्ट से फाइनेंस करा देते हैं। ठीक है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है। ठीक है, प्राइवेट में 2% लगता है, इसमें 1% लगता है। ठीक है, बाकी अपने अपनी वीडियो अगर कोई आउट ऑफ सिटी से कानपुर के बाहर से देख रहा है तो क्या उसके लिए क्या उसके लिए होता है? जैसे कानपुर के बाहर से कहीं से भी आदमी आता है तो हम लोग RTO से उनको NOC निकलवा देते हैं। ठीक है, सपोज करो कोई सीतापुर से आया तो सीतापुर RTO के लिए NOC निकल जाती है, वो वही गाड़ी उनकी ट्रांसफर सीतापुर में। मतलब आप यहाँ से उसको NOC करा देंगे, वो वहाँ पे जाके ट्रांसफर करा देंगे, जिसमें जहाँ भी रहता है, चाहे फतेहपुर रहता हो चाहे सीतापुर आउट ऑफ। ये जैसे बाकी रेट तो आपके काफ़ी सही हैं। तो भैया बात करें अगर हम लोग दूसरी गाड़ी की, तो ये सिल्वर कलर की जुपिटर, इसके बारे में कुछ डिटेल बताइए। सिल्वर कलर की जुपिटर 2017 मॉडल है। ठीक है, और ये गाड़ी 11,310 चली है। 11,000 जेन्युइन चली है? जेन्युइन चली है। ठीक है, और फर्स्ट ओनर है। ठीक है, एक वकील है उन्हीं के नाम है। ठीक है, इंश्योरेंस वोरेंस सब है। ठीक है, ये हम 35,000 की दे रहे हैं। ठीक, बाकी गाड़ी भी एकदम कंडीशन बिल्कुल एकदम स्क्रैच वगैरह भी नहीं है। बाकी इसमें नंबर प्लेट भी वो जो नहीं आई हुई है। ठीक है, तो क्या प्राइसिंग बताया आपने? ये 35,000। ठीक है, तो नेक्स्ट गाड़ी की तरफ पढ़ते हैं भैया हम लोग। ये कौन सी गाड़ी है अपनी? ये TVS की स्कूटी पेप प्लस है। ठीक है, और 2010 मॉडल है। 14,000 रुपये, मतलब 14,500 रुपये भी, मतलब 10-12-15,000 रुपये भी अगर किसी के पास है तो गाड़ी उससे कम भी होंगे तो मेरे पास अगली नेक्स्ट गाड़ी 7,000 रुपये की गाड़ी, वो भी सेल्फ स्टार्ट है। चलिए ठीक है, आइए 7,000 रुपये वाली गाड़ी की भी कुछ डिटेल ले लेते हैं। तो भैया कुछ डिटेल बताइए इसको। ये 2003 मॉडल है, स्कूटी। ठीक है, ES हाँ, वो हाई स्कोर नंबर प्लेटें लगी है। ठीक है, बीमा भी है, फर्स्ट ओनर है, बीमा इंश्योरेंस सब कुछ है, हाई स्कूटी नंबर प्लेटें जो खत्म हो जाती है वो भी बड़ी हुई है। बड़ी हुई है, कब तक वैलिड है ये? ये 5 साल की बढ़ गई, अभी बढ़वाई। ठीक है, चलिए तो क्या प्राइस? ये 7,000 रुपये। 7,000 रुपये में भी अगर आपके पास 5-7,000 रुपये भी हैं तो भी भैया आपको निराश नहीं करेंगे। 5-7,000 रुपये में भी आपको भैया खाली हाथ घर नहीं भेजेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, आपको पैसे लेके आने और गाड़ी घर लेके जानी है। पैसे के अलावा आधार कार्ड और 2 फोटो, वो तो फाइनेंस ट्रांसफर करिए। ठीक ठीक, बाकी चलिए आइए कुछ और गाड़ियों की डिटेल लेते हैं। आपके पास ये एक्टिवा खड़ी हुई है, इसकी कुछ डिटेल बताइए। 2012 मॉडल है। ठीक है भैया, ये 22,000 चली है। 22,000 चली है, ये 24,000 की मिल जाएगी। 24,000 रुपये की आप दे, कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसमें SSRP नंबर प्लेट भी अपडेट है, लगी है, बीमा भी है। तो क्या प्राइसिंग बताई इसकी आपने? ये आपको 24,000 रुपये। बाकी कुछ और भी अगर कोई आएगा तो 1,500 और कम आपके, मतलब प्राइसिंग की गारंटी है कि जो प्राइसिंग आपके पास मिल जाएगी वो किसी दुकान में नहीं मिलेगी। बाकी नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं भैया। ये 2015 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है। ठीक है, और गाड़ी बड़ी साफ सुथरी आप देख रहे हो, ये 30,000 की मिल जाएगी। 30,000 रुपये की दे देंगे। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत मान सम्मान इसमें भी भैया रख लेंगे, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके थ्रू कोई भी आएगा उसका पूरा मान सम्मान रखा जाएगा। आइए अंदर आइए, गाड़ियाँ और भी भैया के पास लगी हुई हैं। भैया इसकी भी कुछ डिटेल बताइए। ये जुपिटर है 2013 मॉडल। ये भी फर्स्ट ओनर है, इंश्योरेंस वोरेंस सब है। ठीक है, ये 25,000। ठीक, चलिए बाकी आपकी तरफ से कोई का मान सम्मान रखा जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। बाकी भैया हम लोग अभी कहाँ पे खड़े हुए हैं? अभी हम जरीफ चौकी, ठीक है, चौराहे के पास मारुति का शोरूम है, माई कार। ठीक है, उसके सामने अपोजिट खड़े। अगर कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है? जरीब चौकी से जब अफीम कोठी की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, 4 कदम आगे मारुति का शोरूम माई कार का है। ठीक है, उसी के अपोजिट सिटी मोटर का बोर्ड लगा हुआ है। बाकी गूगल में भी अगर मैप में डालते हैं तो भैया पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है भैया, आज हम आए हुए थे भैया के पास, आपको कुछ स्पेशली इसलिए आए थे ताकि हम आपको कुछ कम से कम प्राइस रेंज में गाड़ी दिखा पाएँ। बाकी हमने पूरी कोशिश करी है, भैया ने भी पूरी कोशिश करी है कि किसी के पास अगर बहुत ही कम पैसे होते हैं तो उसको भी भैया खाली हाथ घर नहीं भेजें। बाकी मिलते हैं आपसे एक और इसी तरीके की नई वीडियो में। भैया के पास अगली बार जब भी दमदार कलेक्शन आएगा तो बिल्कुल हम आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। बाकी भैया सत श्री अकाल। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो इस पॉइंट तक देखी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आपको और किस किस गाड़ी की डिटेल चाहिए। बाकी अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।